भाई बहुत ही प्यारा लड़का रहते था भी और बुरा कहना भी। பயங்கரம் வந்து அது கரையாடு அட்டாளி உங்க பாடல நீ அட்டா மேல லே ஓரம் ஜன்னே ஜி பார்லே சுல்லத்தை ஐசா ஜாயே கோக்கு இத்தி அக மச்சானி ஓர் இத்தி பேக் கேனா சாரா குஷ் கர் லவன் உஸ்து பாத் ஆகி ஜி ராத் ஓர் நமக் நமக் இத்தி நமக் பலவா ஓர் சாபியா நமக் இத்தி ஐயர நமக் पानी रहा नहीं मेरा गर्म हो गया और सुनर बंद कर देने लेके चलने हैं जी आटे ते कोल मतलब जरा जी मेरे सामने कितने भी लाया है अगर गिरी जगह तो बवी मतलब नाम चाक बवी तो जरा ना रोशनी बिल्कुल भी कोनी होंगी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भाइयों क्या हाल है। मैं दुआ करनी है मेरे भैन जी थे रहन खुश रहन आबाद रहन अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो स्नेक दुआ के नाल आज की वीडियो आगाज करने हैं जी। सुबह सुबह बना लगे हैं जी आलू वाले पराठे और सर्दियों जो ना आलू वाले पराठे खाने में एक अपना ही मज़ा आता है। और सब तो पहले तो मैं वेख लिया कि अगर जी मैं रात में दही बना के रखी है वो मेरी बनी है या नहीं बनी। इन के मैं आलू वाले पराठे बना के रख देवा और दही मेरी जी बनी ना हो चलने जी पहले दही वेखने और उस तो बाद जो आटा बनने ये जी हूँ ये बल्ब मचाना पैना और दही जी ना जी मैं समेट इतने अच्छी तरह लेट के जी रखी हुई है क्योंकि सर्दी है। अगर रेट के ना रखते तो दही बिल्कुल भी जी नहीं जमनी सी। सर्दी नहीं है जी बर्फ पै रही है सानू मरी जावन की कोई जरूरत नहीं जितनी सर्दी जी ना पाकिस्तान पै रही है। माशाल्लाह चेक करें जी ये देखें बड़ी प्यारी जी दही है ना जी वो मेरी बन गई हुई है और दूजी भाई भी जड़े ना जी आ गए इन्हें बार उन्हें भी आवाज ला दी हुई है। ताला खोलो बेटा जल्दी करो रख दें जो आग मचावे ना रोटियां बना के और उस तो बाद उत्ते जड़ा दुद्ध रख दे। सब तो पहले तो आटे की करने जी तैयारी उस तो बाद बना जी मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह यार आग मचा थोड़ी जी गर्मैश हो सर्दी बड़ी लगती पी है। हाँ जी आटा जो है ना वो मैं गुन के रख लिया है और हूँ पकड़ लेने दौरी डंडा सब तो पहले जी खुशक धनिया जी वो है कि उन्होंने अच्छी तरह चुग लेने क्योंकि इन्होंने बच्चे ना काफ़ी कचरा होता है ये कख और इस तरह की मरोड़ियाँ जी हैं ये सारिया कट लें और सब तो पहले इन्हू कुटने मसाला कुट लेना तो फिर धनिया जी वो नहीं कुटनी है। धनिया और नमक जो दो चीजें मिक्स करके मैं अच्छी तरह पीस लेने और हम जो पाने सबल मिर्चा सब्ज मिर्च जी कुछ ज्यादा पावे क्योंकि लाल मिर्च जी मैं को नहीं पानी बिच दलिया तोड़ के पानी फेंकने क्योंकि धो के कटाई कर काफी पई ने मेरे को बाद आ गया जी हदकर और हदकर तो बाद सफेद धनिया धनिया जी बिल्कुल छोटी छोटी उन्होंने साफ करके तो फिर जो कदना पौना क्योंकि जरा ना ये घर दिया धनिया ने जी खुद बीजिया है ना
मियाँ साहब ने वह वाली त्यारी तो करना एनिया नहीं हुई ने क्योंकि धुप नहीं ना होंगी अगर धुप होंगी ना तो फिर ये जल्दी रहना सारी सब्जी हो जानी है धुप तकरीबन कोई भी 25 दिन हो गए धुप भी नहीं बिल्कुल भी नहीं निकली इस वजह जी चीज़ा जितनी भी गड्डिया हुई ना वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रही है। मसाला बनाने तो बाद रहने जी आते पे गंढा प्याज बिल्कुल बरीक बरीक जो कट लेने क्योंकि इन्हें कुटना नहीं अगर कुट दिता तो फिर जो पानी जो बन जाना तो फिर मसाला सही नहीं बनना। इन्नी सर्दी है तो मेरी जर्सी बिल्कुल भी ना पाओ। हाँ जी सारे मसाले कुटने बाद जो जी वारी आ गई आलूआं की आलू जो जी राती थे पता है कि छिलक सारे रख दिते हैं और हम जो इन्होंने पा के कुट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबह सुबह जाने जी बच्चों खुश करना जाना बड़ी मुश्किल होंगी तकरीबन मैं 9 बजे की लगी हाँ टाइम 10:30 का होने वाला अभी तक मैं मसाला जो वो भी बना पी हाँ अग जी मचाई है ना वो फिलहाल जी मुड़ बुझ गई हुई है दोबारा मचानी पानी है और ऐसा अग तो मचा दो बेटा कुछ थोड़ा जहा बहुत कर लिया करो काम और जो मैं जाना जी आलू नाल कुट लें सारे मसाले मिक्स कर लें अच्छी तरह हाँ जी अलहमदुल्ला मसाला मेरे जी तैयार हो गया है और हम सब तो पहले अपने तवा अग जी इन्हें बच्चे ने जला दी माशाल्लाह काफ़ी जल गई होगी हम तो मसाला ऐसे बनया पैना कि बस एवं बंदा चमचे ने खा जाए इतना मज़े तो बन गया है ना रेसिपी जी फुल मैं इस गल दिखा रही हूँ कि साढ़े भैन भरा जो सारे कमेंट करते हैं कि जी तुम रेसिपी खाते हो मुकम्मल नहीं खाते हो पता नहीं चलता कि किमें बनती है और क्योंकि अगले दिन आप ही ने बनाया से हलवा और मियाँ साहब कहते पहले कि काफ़ी कमेंट आए हुए हैं कि प्रॉपर तुम रेसिपी जी उन्हें दिखाई भी किस तरह बनया बड़ा मज़ेदार बनया है हलवा और एक दिन फिर दोबारा बना के ना थानू पूरी जी रेसिपी है ना वो शेयर करा और हम जो तवा में रख दिता है सब तो पहले जो छोटे छोटे पेड़े जो बना रख लें 4-5 और उस तो बाद तैयारी करा हाँ जी सवा जरा मेरा गर्म हो गया है जी जरा बोलना शुरू हो गया है शिमला करके सब तो पहले जी पहले पहले रोटी जी त्यार करने हैं जी ऐसा मेरी जान उठ रहती की तैयारी कर उठो 2-3 सारी मिर्चा धनिया सब और खुश धनिया भी थोड़ी जी पा के तैयारी कर जल्दी कर लेंगे क्योंकि गर्म गर्म जो पराठे खाने उठो
माशाल्लाह हाय 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 और देने आए सब तो पहले मियां साहब नु और फिर जेड़ा ना पता चलता है कि किस तरह दा बनया। हां जी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जेड़ा ना जी वो आ गया आया और आज बेगम साहब ने पकाए ने जी आलू वाले पराठे माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा जेड़े ना मजेदार लगते ने और नाल जेड़े ने जी दही दा जैसा और अगर खांदे हो तो सब बिस्मिल्लाह मिलके खाने हैं जी नहीं तो फिर खा के मिलने हैं क्योंकि आज काफी दिन बाद जेड़े ना आलू वाले पराठे पकाए ने। बच्चों का काफी ज्यादा शौक है कल का परसों से कह रहे सन कि आलू वाले पराठे सानू बना दो ते फिर आज स्पेशली इन दी जेड़ी है ना पूरी हो गई जी फरमाइश होगी पूरी हैं हां खा भी शुरू करिए चलो जाओ अगर खा दो तो सब बिस्मिल्लाह जी मिलके कर ले माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारा जायका रायते का भी और पराठे का भी हाँ जी एक दो रोटियां जो रही तो मैं फिर तेरे बैठी हाँ मैं फिर रोटियां सारी बना के फिर उठा दी और मियाँ साहब और बच्चे जो खाने दिता वो माशाल्लाह खाते पेने मियाँ साहब जी कुछ तबीयत जी ठीक नहीं आई उन्हें उठ के दवाई नहीं शुरू किया अब सुबह सुबह ही मैं ही लोग शुरू किया साड़ी भैन ने ही तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर जो शेयर कर देना और लाइक भी कर देना सब्सक्राइब भी कर देना है वीडियो जी इतनी मेहनत ना बनाने हैं तो बड़ा दुख लगता है जो वीडियो जी वाच ना हो तो अभी वीडियो जी इतने खत्म करने हैं इंशाल्लाह सुबह एक नवी जी प्यारी जी यूनिक जी वीडियो ना फिर आते रहोंगे उतना काफी बैरक दो जी इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखना दुआ याद रखना है अल्लाह हाफिज़ जी अल्लाह निगहबान।